गड्ढे में छुपी शेरनी की तरफ दो जेबरा चले आ रहे थे, तभी मेल जेबरा जिसका नाम पांडू है उसे डाउट की बदबू आती है। पांडू रुककर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। इधर शेरनी मन ही मन सोचती है कहीं इसने मुझे देखा तो नहीं। पांडू की आइटम भी अपने पति को रुकने का कारण पूछती है। थोड़ी देर सोचने के बाद पांडू अपने आइटम की तरफ जाता है और बोलता है जान बाईपास के रास्ते से चलो, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन पांडू की आइटम जिद्दी थी, वह मुड़कर बोलती है नहीं मैं जाऊंगी तो इसी रास्ते से जाऊंगी। पांडू बोलता है अरे जान जिद मत कर। पांडू की आइटम को शायद खतरों से खेलने की आदत है। वह आगे जाकर देखती है और बोलती है यहाँ तो कोई नहीं। इधर शेरनी मन ही मन बोलती है और थोड़ा पास आ जाए तो मजा आ जाएगा। तभी पांडू की आइटम शेरनी को देखती है। शेरनी को मजबूरी में उसके पीछे भागना ही पड़ता है। पांडू की आइटम अपनी पूंछ किसी झंडे की तरह लहराते हुए भागती है। सही समय पर भागने से ये कपल बच गए।